सोमवार को जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के नेतृत्व में ट्रेन रोको अभियान चलाया, जहां दीदारगंज हॉल्ट के पास पटना झाझा पैसेंजर को रोककर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया। इनका कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश के किसान सड़क पर हैं। बिहार हर मानकों में आगे खड़ा है, फिर भी अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। एमएसपी कानून लागू नहीं होने के कारण किसानों की असली मेहनत नहीं मिल पा रही है। देश के किसान खाद की कालाबाजारी से परेशान हो रही है। वहीं सत्ता के नशे में हिटलरशाही मोदी सरकार के देश को गर्त में डालकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। एक कहना है जाप के कार्यकर्ताओं का। पप्पू यादव के नेतृत्व में सोमवार को ट्रेन रोको अभियान चलाया गया, जहां दीदारगंज हॉल्ट के पास पटना झाझा पैसेंजर को रोककर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पांच मांग की बात कहकर कहा कि सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। वहीं जीआरपी पुलिस ने ट्रेन रोकने और सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के आरोप में सबको हिरासत में ले लिया है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर आप आज लोग रेलवे ट्रैक को जाम किया? देखिए, पांच सूत्री मांगे थी हमारी पार्टी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार आज रेल चक्का जाम था। सबसे बड़ा जो सवाल था हमारा जो है एमएसपी की गारंटी किसानों के लिए, दूसरी जो सवाल है किसानों को लेकर खाद बीज का जो कालाबाजारी चल रहा है, इसमें कुछ दलाल लोगों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। चाहते हैं कि किसानों को उचित मूल्य पर जो खाद और जो बीज है वो उसको मिले। तीसरी जो सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, जबकि सारे मानके पर, सारे जो मानक है उन पर बिहार खरा उतरता है, उसके बावजूद भी एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। शुरू से जब हम लोग सड़क जाम से लेकर रेल जाम से लेकर तमाम तरह की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, लेकिन अभी तक बिहार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो ये मांग है। तीसरी और चौथी जो हमारी जो मांगे हैं कि पैनिक जो सिचुएशन बना रही है गवर्नमेंट, आप अगर कोरोना है तो फिर उत्तर प्रदेश में रैली क्यों करवा रहे हैं? मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड में, पंजाब में रैली क्यों हो रहा है? क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है क्या? हैं? तो ये सवाल है कि जनता को आप मूर्ख बनाना बंद करें और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है आप उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। तमाम जो शहर से सुदूर इलाका जो है वहाँ पे उपस्वास्थ्य केंद्र है जो कि बंद है, उसमें वेतन जारी है, लूट खसोट हो रहा है। और जो सवाल है, जितने भी पंचायत प्रतिनिधि बिहार में चुनाव हुए हैं, जीते हैं, हारे हैं या जो भी है, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसको है? यह स्टेट की जिम्मेदारी जाती है। ये भी मांगे कि उनको समुचित सुरक्षा मुहैया किया जाए। तो ये सारे सवालों को लेकर आज रेल चक्का जाम हुआ। अगर सरकार नहीं सुनती है तो पूरे बिहार में रेल चक्का भी जाम होगा और सड़क को भी बाधित करने का काम जन अधिकार पार्टी लोग करेगी।